और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे आप सब लोग, तो उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे रहेंगे करके। आज हम लोग जा रहे हैं शिवाजनगर गाइस। तो ये रहा मेरा आज का आउटफिट गाइस, जस्ट अभी मुझे रिसीव हुआ था मिंत्रा से, तो मैंने अभी पहन लिया। तो नया ड्रेस पहन के चलते हैं करके, अभी मैंने पहन लिया है गाइस। तो चलिए चलते हैं हम शिवाजनगर, आज हम जाके देख के आ रहे हैं क्या रहेगा, क्या ले सकती हूँ मैं करके। तो हम आप फाइनली आ ही गए हम शिवाजनगर गाइस। तो शिवाजनगर में कलेक्शन बहुत ही अच्छे थे, लेकिन रेट वाइज बहुत ही ज़्यादा थे गाइस, अराउंड 6000 के ऊपर ही थे। तो 6000 से ऐसे कुछ रेट्स थे। उसके बाद यहाँ मैं देख रही थी कर्टन्स को, देख रही थी गाइस, उतना खास मुझे अच्छे नहीं लगे। अभी ईद के लिए कर्टन्स लेना है मुझे, तो मैं देखती हूँ कौन से लोग करके बहुत ही बढ़िया कर्टन्स मुझे मैंने सोचा है। तो होप इंशाल्लाह इसे मिल जाए मुझे कटन से बार, तो वही के लिए मैंने ढूंढा कटन। तो मुझे यहाँ कलेक्शन कुछ अच्छा नहीं लगा, तो हम कटन्स के लिए जाएंगे नेक्स्ट कहीं और गाइस। तो कटन मैंने से यहाँ से नहीं लिया, तो यहाँ से कटन से हम चलते अगले नेक्स्ट शॉप की ओर गाइस। यहाँ पे जो शरारा बोलते हैं, या गरारा बोलो या शरारा बोलो, और एक गॉइन, इसमें ना जो सीक्वेंस का काम रहता है वो काम नहीं है, नॉर्मल काम है। जो हम बोलते हैं हैंडवर्क, वो काम नहीं था उसमें, वो गाउन में, तो इसलिए वो कम का था। अदरवाइज आपको ब्राइडल गाउन चाहिए तो आप कमर्शियली जा सकते हैं, तो बहुत ही वो अलग सा गाउन रहेगा। और यहाँ से कलेक्शन मैंने देखा थोड़ा थोड़ा, तो अच्छा खासा लग रहा था, थोड़ा थोड़ा मुझे खास लगा भी और नहीं भी गाइस यहाँ पे। और यहाँ पे मैं हूँ, ये तो कैसी लगी मैं ज़रूर बताइएगा। तो उसके बाद यहाँ मैंने ये शॉप को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, देखते हैं क्या है किधर है करके। उतने खास मुझे कुछ आउटफिट नहीं लगे। फिर हम चलते हैं ये वाले शॉप में गाइस। तो ये वाले शॉप में हम चलते हैं, जाके देखते हैं क्या नया आया है करके। तो ये वाली शॉप में भी बहुत एक्सपेंसिव था गाइस, उतना कुछ रिजनेबल मुझे खास लगा नहीं। ये वाला ड्रेस था 7000 का बता रहे थे भैया, तो 7000-6000। अभी रमज़ान का महीना है ना, तो रमज़ान के महीने में आपको बहुत ही कॉस्टली मिलेंगे यहाँ से। तो आप आइएगा, देखिएगा अच्छे से, देख के डे में आइएगा। स्पेशली आपको मैं रेकमेंड करूँगी डे में आइएगा, तो सनलाइट में अच्छा सा कलर आपको मिलेगा। नहीं तो क्या होगा बताएं, आप इतनी लाइट में, इतने झिकझिकाक में लेके चले जाएंगे 8-9 हज़ार का ड्रेस, घर में जाके ज़रूर रोएंगे गाइस। तो इसलिए मेरा जो एक्सपीरियंस है, आप डे लाइट में आइएगा, सनलाइट में आके बाहर भी एक बार देख लीजिएगा, हाँ ट्रायल किए बिना मत लीजिएगा गाइस। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि बहुत बार मेरे साथ वैसा हो चुका है, मैं लेके तो आ जाती हूँ, बाद में आके रोती हूँ। ये थोड़ी ऑनलाइन थोड़ी है, ऑनलाइन से हम मंगा देते हैं, बाद में हम रिटर्न भी कर देते हैं। आई लव ऑनलाइन गाइस, तो ऑनलाइन पीपल को हैट्स ऑफ है मेरा, क्योंकि वो 10000 का भी लेके आके दे देता है मिंत्रा वाला बेचारा, दो दिन में अच्छा नहीं लगा तो लेके चले जाते हैं, तो उनके लिए हैट्स ऑफ है मेरे दिल में। तो यहाँ से हम ये वाली मेहर को आए हम लोग। ये वाली शॉप में बहुत अच्छे कलेक्शन है गाइस, लाइक ब्राइडल आउटफिट के लिए भी अच्छा है। आप ब्राइडल शादी में, पार्टी में वगैरह जा रहे हैं तो यहाँ आप आके ज़रूर ले सकते हैं। यहाँ देखिए हर एक लहंगा 5000 के ऊपर है, रीज़नेबल प्राइस है ये वाले शॉप में, मुझे अच्छा लगा गाइस यहाँ पे। उसके बाद मेरा तो मन आता है साड़ी में, तो मेरे हस्बैंड को भी साड़ी बहुत ही पसंद है, तो यहाँ मैं देख रही थी इसका कलर ना ग्रीन कलर है गाइस। ये वीडियो में कुछ इस तरह से लग रहा था। यहाँ मैं ऐसे ही नॉर्मल ओकेशन के लिए देख रही थी, ना कि रमज़ान के लिए गाइस। मैं क्लियर कर दूँ, अभी मैं रमज़ान के लिए अच्छे से ढूंढ के ही लूँगी। अभी मेरे को कौन सा भी आउटफिट अभी तक मुझे कौन सा भी पसंद नहीं आया है आउटफिट। ये जो साड़ी का कॉस्ट और 2500 रुपीज़ था गाइस, महर शॉप में था, और ये वाला पिंक वाली का अराउंड 3000 समथिंग था, 50% ऑफ होके। फिर मुझे तो कौन सा भी उतना पसंद नहीं आया, फिर मुझे ग्रीन वाली पसंद आई गाइस, तो मैंने ग्रीन वाला लिया। तो ये तुम्हारे पे अच्छा लगेगा करके ये मुझे दो साड़ी दिलाए यहाँ से, थैंक यू सो मच माय हस्बैंड। तो मैंने यहाँ मेहर ब्राइडल कलेक्शन से दो साड़ी लिया। उसके बाद आती है अब्राहम की बारी गाइस। अब्राहम के लिए हमने बहुत ढूंढा, ये वाला जो मैंने दिखाया था आपको शेरवानी, वो भी अराउंड 3000 का था, हमें नहीं मिला गाइस, थोड़ा सा रिजनेबल, थोड़ा ज़्यादा था बजट उसमें। तो मैं देखती हूँ अब्राहम के लिए क्या लेंगे करके, उसको कम्फर्टेबल रहना बहुत ही ज़रूरी। तो फिर हम होटल से पार्सल लेके घर वापस आ गए गाइस। मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में गाइस, टिल देन बाय।